गुड मॉर्निंग किड्स, वेलकम बैक टू द योर फर्स्ट क्लास ऑफ आर्ट स्ट्रीम। आर्ट स्ट्रीम का फर्स्ट लेक्चर है, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। एंड आई एम गोना टीच यू पॉलिटिकल साइंस और मैं आपको इस में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगी। आर्ट स्ट्रीम में आपको बेसिकली थ्री मेन सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। फर्स्ट इज हिस्ट्री, सेकेंड इज ज्योग्राफी एंड थर्ड वन इज पॉलिटिकल साइंस। और ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। इस सेशन में आपको दो बुक्स हैं पॉलिटिकल साइंस के लिए। एक पॉलिटिकल साइंस थ्योरी है, एक पॉलिटिकल साइंस थ्योरी है जिसमें आप बेसिक नॉलेज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के लिए, और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एट वर्क किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, परफॉर्म करता है ड्यूटीज को, वो हम इसमें पढ़ेंगे। मीन्स जो आपकी ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है वो आपको बताएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काम क्या क्या करता है, जैसे कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसमें नया कुछ भी नहीं है, बस जो हम अभी तक पढ़ के आए हैं उसी का और वास्ट फॉर्म है और बड़ा रूप है। पहले आपने टेंथ में सोशल साइंस सब्जेक्ट पढ़ा है, मैंने ही पढ़ाया है आपको। उसमें हमारे पास फोर सब्जेक्ट होते थे, फोर पार्ट होते थे। सोशल साइंस सब्जेक्ट में ही हमारे पास फोर पार्ट थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब उन्हीं पर्टिकुलर पार्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट बन चुका है। इकोनॉमिक्स अलग स्ट्रीम में है, ठीक है। अभी आपको जो हम स्ट्रीम है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, ये तीन मेन सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो जो आपने टेंथ में पढ़ा है, जो आपने नाइन्थ में पढ़ा है, जो आपने एट्थ में पढ़ा है, उसी का और एक्सपांडेड फॉर्म होने वाला है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आप पहले भी पढ़ चुके हो। लेजिस्लेचर क्या है, एग्जीक्यूटिव क्या है, ज्यूडिशियरी क्या है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, लेकिन अब हम उसी को और एक्सपांडेड फॉर्म में उनकी वर्किंग्स को जानेंगे कि ये काम किस तरीके से करते हैं। सो किड्स, अभी ये जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है इसमें कम से कम आपको ये क्लियर हो गया होगा कि थ्रू आउट द ईयर आपको पढ़ना क्या है। एंड डोंट वरी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ईजी होने वाला है आप लोगों के लिए। केवल और केवल आपको राइटिंग स्किल्स और इम्प्रूव करनी है अपनी। एज यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल, आपको समझ में सब आ रहा है, आपको और अच्छे से एग्जीक्यूट करना है। जैसा आप लोगों ने टेंथ में परफॉर्म किया है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, उस बिहाफ पे आपको और इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज का, उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन वाले बुक से। उसका फर्स्ट चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों है और कैसे बना। तो क्यों बना और कैसे बना तब तो हम बाद में पहुंचेंगे। फर्स्टली वी विल नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, आप लोगों ने पहले भी सीखा है, तो ये बुक है, बुक है, बट कैसे बुक है, क्या है इसमें, व्हाट इज रिटन इन इट, दैट इज इट हैज, इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इट हैज सेट ऑफ रूल्स, इट इज अ बुक विच हैज सेट ऑफ रूल्स। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, अगर आप बहुत सिंपल वर्ड्स में कहो तो, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन है, पर कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन है, किसी स्कूल के, किसी घर के, नहीं। देखो हम अपना घर भी चलाते तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, मम्मी बताती है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करना है, आपको ये चीज यहां नहीं रखनी, हर चीज का एक अलग सिस्टम होता है, रूल्स होते हैं। सेम वैसे ही कंट्री को कैसे गवर्न करना है, कंट्री को कैसे चलाना है, एक गवर्नमेंट अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कैसे चलेगी, ये सब कुछ डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन। कौन डिसाइड करता है, कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। इट हैज प्री डिसाइडेड रूल्स, सेट ऑफ रूल्स विच डिस्क्राइब अस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है, कैसे करना है और कब परफॉर्म करना है, क्या क्या किसके हाथ में पावर है, अगर ये काम कौन करेगा, ये सब कुछ कौन डिसाइड कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने डिसाइड करके रखा है हमारे लिए, बता के रखा है हमारे लिए, ठीक है।
तो एक क्लियर आपके एक माइंड सेट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं डेफिनेशन पे आती हूँ, एक प्रॉपर डेफिनेशन। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। देखो हमारी कंट्री में इट इज इन अ रिटन फॉर्म। वी आर हैविंग अ वास्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे पास सबसे लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। कहीं कहीं भी अनरिटन फॉर्म में भी है, ठीक है। तो जस्ट बिकॉज इन आवर कंट्री इट इज इन रिटन फॉर्म, सो वी हैव टेकन अ रिटन डॉक्यूमेंट। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है दैट क्रिएट्स अ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को क्रिएट करता है। इलेक्शन कैसे होने हैं, कब होने हैं, कौन डिसाइड करता है? कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, हमारा संविधान डिसाइड करता है। It is clear to you all. It is enough for today. Till then, take care. Bye-bye.